नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि सभी जानते हैं, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है हर जगह पर, हर देश में। वुमेंस डे जिसमें हर वुमेंस को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। आइए जानते हैं कि 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वुमेंस डे। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि 8 मार्च को ही चुना गया वुमेंस डे के लिए? न्यूयॉर्क में एक महिला आंदोलन हुआ था जिसमें नियर अबाउट 15,000 वुमेंस सड़क पर उतर आई थी। उनकी मांग थी कि उनका जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए और उनकी जो समय अवधि है काम करने की उसको घटाया जाए। उनकी एक और मांग थी कि उनको मतदान का अधिकार भी दिया जाए, जिससे वे अब तक वंचित थी। ये सारी मांग लेकर 15,000 औरतें सड़कों पर उतर आई थी न्यूयॉर्क के। और उनकी इस मांग को एक साल बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने अप्रूव किया और इसी दिन को उन्होंने चूज़ किया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। 1996 में पहला वुमेन्स थीम रखा गया और इसका नाम था कि अतीत का जस्ट और फ्यूचर की योजना, भविष्य की योजना। 2021 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मनाया जाएगा 8 मार्च को, उसका भी एक थीम रखा गया है और थीम का नाम है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ऐसा थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के समय बहुत सारे श्रमिक और बहुत सारे इनोवेटर्स जिन्होंने अपना श्रम दान किया और कोविड के टाइम में उन्होंने दूसरों की हेल्प की, उनके लिए इस थीम को रखा गया है। उनके योगदान को, उनकी उस सहायता को सम्मान देने के लिए यह थीम इस बार रखा गया है। जितनी भी लड़कियां और महिलाएं इस कोविड-19 के समय में उन्होंने इनोवेटर और श्रमिकों की तरह काम किया है, उन सभी को तहे दिल से हम सभी लोगों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। जैसा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, हर जगह हर देश में मनाया जाता है, हमारे भारत में भी इस दिवस को मनाया जाएगा। और हमें भारतीय महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई, उनका योगदान सराहनीय था, वो कभी भी भूलने योग्य नहीं है। आने वाली जनरेशन को उनका योगदान पता होना चाहिए, उनकी पूरी कहानी पता होनी चाहिए। वैसे ही पन्ना धाय, जिसने देश के लिए अपने बेटे को न्यौछावर कर दिया। दुर्गा भाभी, जिन्होंने योगदान दिया था स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी लोगों की बहुत ही तहे दिल से सहायता की थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। आज़ाद भारत में पहली महिला गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू जी, और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। हमें अपने आप को सशक्त करना है दूसरों की सहायता करने के लिए, ना कि हमें कंपटीशन करना है दूसरों से कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये छोटा काम है और ये बड़ा काम है। हम वुमेन्स हैं, हम बराबरी नहीं चाहते हैं, हमारी एक अलग पहचान है। हम सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहते हैं भारत के लिए जिससे भारत गौरवान्वित हो। एक स्पेशल रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी भारत की महिलाओं को
हमारी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार।